वाराणसी हजरत निजामुद्दीन के रास्ते अमृतसर को जाने वाली विदिशा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक दोस्तों आप देख रहे हो हम सांची पहुंच चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये सीधा सांची की तरफ जाते हैं। हम जो ऑटो पकड़े थे उसे छोड़ना पड़ा यहीं तक क्योंकि यहां से ऑटो नया ऑटो पकड़ना पड़ेगा ऊपर ऊंचाई तक जाने के लिए। तो हम जिस ऑटो में आए थे ऑटो 130 रुपए लिया है। पहले तो वो 150 रुपए मांग रहे थे तो थोड़ा तोलमोल करने के बाद ही 130 में राजी हुआ है। राजा गए टिकट खरीदने, आप देख सकते हो ये है टिकट घर। सो फ्रेंड्स ये है सांची के अंदर जाने का टिकट, इंडियंस के लिए 40 एंड जो फॉरेन 600। दोस्तों आप देख रहे हो सांची जाने की रास्ता, ये रास्ता सीधा ऊंचाई की तरफ जाती है। आप यहां से ऑटो भी ले सकते हो। आप देख सकते हो राजा फोटो खींचने में व्यस्त है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो पीछे हमारे पीछे एक सीढ़ी है तो इस सीढ़ी से हम सीधा जाएंगे उस कुक के सामने। तो ये सीढ़ी कम से कम 245 मीटर तक जाती है तो हम पैदल ही जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कितनी दूरी पर है। असल में ये एक शॉर्टकट है, अगर आप सड़क से जाते हो तो वो काफी लंबा पड़ता है लेकिन ये प्राचीन मार्ग है जो पहले से यूज होता आया है तो इसलिए हमने इस मार्ग को चुना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सांची पहुंच चुके हैं, आप देख चुके हो हमने वीडियो बना चुके हैं, वीडियो में कुछ तस्वीर भी हमने दे चुके हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सांची एक ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक जगह इसलिए है क्योंकि बहुत साल से ही सांची एक अनोखी कहानी हमारे सामने ला रही है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों गौतम बुद्ध ने ये निर्देश दिया था अपने भक्तजनों को कि उनकी देहांत के बाद
उनकी देहांत के बाद उनके शरीर के ऊपर एक स्तूप बनाया जाए, तो आप समझ सकते हो। लेकिन सांची ऐसा स्तूप नहीं है, क्योंकि सांची ख्रिस्टपूर्व द्वितीय शतक में यानी कि दूसरी शतक में मौर्य सम्राट अशोक ने ये बनवाया था। तब से लेके आज तक सांची का बहुत बार परिवर्तन हुआ है। कैसा परिवर्तन मैं आपको बता देता हूं। सम्राट अशोक जब इसका निर्माण किया था, उसके बाद बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोगों ने अपने अपने समय में इनका परिवर्तन किया था। कैसा परिवर्तन वो भी आपको बता देता हूं। मौर्य सम्राट अशोक ने जब इसको बनवाया था, तब इसका परिधि यानी कि डायमीटर 21 मीटर था। उसके बाद दिन ब दिन इसके आकार में परिवर्तन लाया गया है। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने अपने अपने समय पर इसका आकार का परिवर्तन किया है। वर्तमान में इसका डायमीटर 36.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 16.4 मीटर। तो आप समझ सकते हो कितना परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, सांची का जो सौंदर्य है वो अलग ही है, और इसके पीछे जो इतिहास है वो हमेशा हमें एक अनोखी जगह के बारे में, अनोखी इतिहास के बारे में बता रही है। तो दोस्तों, आप सांची का वीडियो देखिए जर्नी एक्सप्रेस के साथ, और इस वीडियो का आनंद लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आप जो धरोहर को देख रहे हो, इसे सांची का स्तूप कहा जाता है। ये उसका तोरण है। तोरण का मतलब है गेट। ऐसे तोरण चार है और चारों के चारों एक ही टाइप का है। इसमें एक निर्देशिका दिया हुआ है, आप देख सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो चारों के चारों गेट ही एक टाइप का है। चारों ओर से ही एक ही तरह के है। एक और निर्देशिका दिया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों, आप देख रहे हो सांची का फुल व्यू। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हो ये सांची के भीतर का एक दृश्य है। हम लोग भीतर को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2000 साल से भी पुराना एक ऐतिहासिक धरोहर है। Thank you.
स्टडी से। Thank you.